हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा सब्जेक्ट है गोग्रीन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, गोइंग टू प्लेसेस। सो बच्चों, यहाँ पर हमें व्हीकल्स दिए हैं और कहा है कि कार में हमें ब्लू कलर फिल करना है, उसी तरह एरोप्लेन में हमें येलो कलर फिल करना है, देन शिप में रेड कलर फिल करना है, और जो यहाँ पर बस है उसमें हमें ग्रीन कलर फिल करना है। ओके, सो आपको अच्छे से यहाँ पर कलर फिल करना है। नाउ वी विल स्टार्ट ट्रांसपोर्ट। टू रीच डिफरेंट प्लेसेस वी नीड अ मीन्स टू ट्रैवल। हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। इट कैन बी अ बस, कार, ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन, दीज आर अ वेरियस व्हीकल यूज टू ट्रैवल। द चॉइस ऑफ व्हीकल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस टू बी कवर। यहाँ पर कहा है बच्चों कि हमें व्हीकल्स, मतलब जैसे कि कार, ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन, ये सारे जो है ना, तो हमें मतलब हमको कौन सी जगह जाना है, जैसे कि कहीं हमें पास में जाना हो तो उसी तरीके से व्हीकल हमें चूज़ करना पड़ता है, और कहीं दूर जाना हो तो उस तरीके का हमें व्हीकल चूज़ करना पड़ता है। ओके, देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट वेज बाय विच वी ट्रैवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हम क्या लिखा है, ट्रैवल करने के लिए अलग अलग वेज भी होते हैं। ओके, वी यूज डिफरेंट मीन्स टू कवर लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस। डिफरेंट व्हीकल्स आर यूज टू ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस। सो बच्चों, अभी मैंने कहा ना, जैसे कि हमें कहीं पास में जाना हो तो उसी हिसाब से हमें व्हीकल चूज करना पड़ता है, और कहीं दूर जाना हो तो उसी हिसाब से। सो बच्चों, यही लिखा है। ओके, देन देर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। ओके, फर्स्ट जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बाइसिकल, कार, बस, रिक्शा, ट्रेन, ये सारे जो है ना, इसे हम क्या कह सकते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट मूव ऑन रोड्स। ये सारे जो है ना लैंड ट्रांसपोर्ट, तो वो रोड पे मतलब चलते हैं। ट्रेन जो है ना बच्चों, ट्रेन रेलवे ट्रैक पे चलती है। ओके, सो आपको याद रखना है कि लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल्स आते हैं वो आपको याद रखना है, और वो रोड पर चलते हैं। ओके, एंड सेकंड नंबर पे है वाटर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सेल इन द वाटर। क्रूज लाइनर कैरी मैनी पीपल एट द सेम टाइम। वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ चलती है, पानी में। ओके, जैसे कि क्रूज लाइनर है ना बच्चों, वो एक ही टाइम पे बहुत सारे, मतलब जैसे कि पीपल्स हो ना, उनको कैरी करते हैं। ओके, और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। देन अ क्रूज लाइनर इज अ पैसेंजर शिप यूज फॉर प्लेजर जर्नी। ओके, क्रूज लाइनर में पैसेंजर अच्छे से जर्नी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि देखो, यहाँ पर हमें वाटर ट्रांसपोर्ट के सारे व्हीकल्स दिए। ओके, और कहाँ है क्रूज लाइनर, ये रहा, ये जो है ना, इसमें एक ही टाइम पर बहुत सारे पीपल ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, आपको याद रखना है वाटर ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल्स आते हैं। ओके, देन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें कहा है, यहाँ पर हमें स्पेशल व्हीकल्स दिए हैं। ओके, स्पेशल व्हीकल्स मतलब जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सारे जो है ना, ये हमको स्पेशल सर्विस देते हैं। ओके, सो आपको मैचिंग करना है, यहाँ पर अच्छे से आपको देखना है। नीचे यहाँ पर नेम दिए, ओके, और यहाँ पर व्हीकल्स दिए, अच्छे से देख के आपको मैच करना है। देन थर्ड वन क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जो एयर में फ्लाई करते हैं ना व्हीकल्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट फ्लाई इन द एयर। द कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन शॉर्टेस्ट टाइम। बच्चों, जब हमें आउट ऑफ कंट्री जाना होता है ना, तब हमें एयर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, हेलीकॉप्टर्स कैन रीच प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट। जहाँ एरोप्लेन्स नहीं जा सकते ना बच्चों, वहाँ पर हमें हेलीकॉप्टर पहुँचाता है। ओके, सो आपको याद रखना है कि एयर ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल्स आते हैं। ओके, देन व्हीकल्स मूव ऑन व्हील्स। व्हीकल को मूव करने के लिए व्हील्स की ज़रूरत होती है। डिफरेंट व्हीकल्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ व्हील्स। डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स जो होते हैं, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट व्हील्स होते हैं। ओके,
नेम सम व्हीकल्स व्हील डिफरेंट नंबर्स ऑफ व्हील्स. आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में टू कॉलम बनाने हैं. फर्स्ट कॉलम में, पहले कॉलम में आपको व्हीकल्स के नेम लिखने हैं और सेकंड जो कॉलम है ना उसमें आपको व्हीकल के व्हील्स के नंबर लिखने हैं. जैसे कि देखो बस है ना, तो व्हीकल के कॉलम में आप फर्स्ट नंबर डाल के बस लिखोगे. देन इस बार जो वाले कॉलम है मतलब व्हील्स वाले कॉलम में आप क्या लिखोगे, बस में बस को कितने व्हील्स होते हैं, फोर. ओके, सो आपको फोर लिखना है. ओके ओके बच्चों, समझ में आया. जैसे कि देखो ऑटो रिक्शा होती है ना, तो ऑटो रिक्शे का नाम लिखने का, और व्हील्स में ऑटो रिक्शे को कितने व्हील्स होते हैं, थ्री, तो आप थ्री लिखोगे. ओके सो आपको अच्छे से याद रखना है आज हमने क्या क्या पढ़ा, कितने टाइप्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, थ्री पार्ट्स होते हैं जैसे कि सॉरी ट्रांसपोर्ट थ्री प्रकार के होते हैं. फर्स्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड एंड लास्ट एयर ट्रांसपोर्ट. ओके बच्चों, आपको अच्छे से याद रखना है और उनमें कौन से व्हीकल्स आते हैं वो भी आपको याद रखना है. ठीक है, सो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.